हे गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं नेहा धूपिया पे बने मीम्स पे। अगर आपको पता नहीं हो तो नेहा धूपिया पड़ गई है एक कंट्रोवर्सी में। एमटीवी रोडीज को जज करती हैं, उसमें एक कंटेस्टेंट था, उसने बोला था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी वो मेरे अलावा 5 और लड़कों को सेम टाइम में चीट कर रही थी, तो इसलिए उसने उस लड़की को उसके 5 और बॉयफ्रेंड के सामने थप्पड़ मार दिया था। तो इसको नेहा धूपिया ने डिफेंड किया कि इट्स हर चॉइस, मतलब इट्स हर चॉइस का सीधा सीधा मतलब है कि वो डिफेंड कर रही थी कि वो चाहे तो एक साथ 5 लड़कों के साथ घूम सकती है, एक साथ नहीं मतलब 5 अलग अलग लड़कों के साथ एक टाइम में, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, समझ तो गई होगे। और जितने भी जज थे काफ़ी खड़ी खोटी सुनाई उस बंदे को, उसने रिग्रेट भी किया कि अरे मैंने थप्पड़ मारा वो गलत था लेकिन वो मुझे चीट कर रही थी ये भी तो गलत था, लेकिन उसने जो थप्पड़ मारा ये गलत सब साबित करने में लगे थे, लेकिन उस लड़की ने जो चीट किया इसको सब डिफेंड कर रहे थे कि इट्स हर चॉइस। इस पे जो मीम्स बने हैं भाई, ये तो मैंने एक प्लॉट समझा दिया ताकि जो मैं अब मीम्स देखूं वो आपको भी समझ में आए अगर आप रोडीज ना देखे हुए हो तो। भाई इंडिया इज़ ए कंट्री जहाँ कहाँ मिलेगा इतना कंटेंट, हर महीने नहीं यार हर हफ्ते एक नया कंटेंट आ जाता है, और मीमर्स मीमर्स जो मीम बना बना के पैसे कमा रहे हैं आजकल भैया, मिलियंस में यहाँ पे फॉलोअर्स चले गए इंस्टाग्राम पे, उनके ट्विटर पे जाके देख लो। तो उसमें से कुछ चुनिंदा मीम्स हैं मेरे पास, तो चलिए देखते हैं ऐसा किस किस टाइप की क्रिएटिविटी इंडियन मीमर्स दिखा रहे हैं नेहा धूपिया से रिलेटेड। हे अभिगा, हियर इज द फर्स्ट मीम, लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट गर्ल, लड़कियों की इज्जत करो बहन की, रिस्पेक्ट गर्ल्स यू मदर। अब देख लो, अब ये दोनों जो हैं वो जज हैं रोडीज के, और ये उस बंदे को समझा रहे थे कि आप थप्पड़ नहीं मार सकते, और किस लहजे में सिखा रहे थे, क्या वर्ड्स यूज़ करके सिखा रहे थे वो यहाँ पे है, तो आप बैसनेस देख सकते हो किस लेवल का बैस है ये लोग। चलो नेक्स्ट मीम, व्हेन आई ट्राई टू स्टडी माय माइंड, यहाँ पे भी मीम बनाऊंगा, प्रश्न मतलब क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, लड़की इट्स हर चॉइस। ये मीम सिर्फ हिंदुओं को समझ में आएगा बिकॉज ये महाभारत से है। ओके, थर्ड, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है और नेहा धूपिया मीमर से, बहुत सही यार, बहुत ही सही बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ टिकटॉक को छोड़ दो तो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर नेहा धूपिया मतलब सोच रही होगी कि बेकार का मैंने साइन किया था रोडीज, भैया जो हाल किया है मीमर्स ने मतलब पूछने लायक है यार। चलो देख, मॉर्निंग सर, नेहा चमकदार कपड़ों में तुम 100% बैंकर लग रही हो लेकिन रिक्शा में क्यों, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। चलो बहुत सही, उसने बोला था कि कंटेस्टेंट ने बोला कि मेरे साथ वो 5 और लड़कों को घुमा रही थी सेम टाइम में, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। अब उसको कोट कर कर के जो नेहा धूपिया को लोग आज रुला रहे, लोग नहीं मीमर्स जो रुला रहे, मतलब हमें क्या लेना है, हमें तो बस मतलब मीम्स निकाल के मजे लेने हैं, वही कर रहे हैं। 5 स्टार ओके नेक्स्ट, हाउ नेहा इज फीलिंग नाउ, कैन यू गेस दिस, अरे ना नदी रही है समझ गए होगे। ओके नेक्स्ट, ओ नो कमेंट्स, नेक्स्ट, 2+3 बंदा पीछे देखा 5 नेहा धूपिया। अरे यार मतलब नेहा धूपिया बिल्कुल एक, उसने बकायदा नेहा धूपिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वो लॉयल्टी
जो चीटिंग कर रही थी लड़की उसको डिफेंड नहीं कर रही थी, वो डिफेंड कर रही थी कि यू कैन नॉट हिट अ गॉड। लेकिन वीडियो में साफ दिखता है कि भैया आप किसको डिफेंड कर रहे थे, किसको डिफेंड नहीं कर रहे थे। तो मीमर्स ने बस सुनने वाले कहाँ हैं, गलती कर दो चाहे जितना भी कवर करने की कोशिश करो, आज के ज़माने में कहाँ होता है, इंटरनेट नहीं होने वाला। ओपन इंस्टाग्राम, चारों तरफ नया ही नया है। बहुत आला, बहुत सही। नेहा धूपिया एक, पांच खुश, ग्रेट। कैसा चूतिया बनाया हेड ऑफ फेस, ये चारों जज हैं एमटीवी रोडीज के। ओके, कैरियर टेंशन स्ट्रेस, घर वालों के ताने, नेहा धूपिया। तो यार देखो, मतलब सभी लोग आजकल इतने स्ट्रेस में रहते हैं ना, बस उनको स्ट्रेस से निकालने का जरिया है टक्की भाई की वीडियोस, कैरीवी नाइटी की वीडियोस और ये मीमर्स लोग। मतलब सोने से पहले आधा घंटा आप स्क्रॉल कर लो, मूड फ्रेश हो जाना है। नेक्स्ट, वो पांच लड़कों के साथ घूमे, इट्स हर चॉइस, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। हार्दिक पांड्या, आपको पता होगा अगर आप कॉफ़ी विद करण फॉलो करते हो तो उसमें हार्दिक पांड्या गया था केएल राहुल के साथ, और उसमें इसने बोला था कि बहुत, मतलब इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, मैं करके आया है। बढ़िया, अगर वहाँ पे वो लड़की को डिफेंड कर सकती है नेहा धूपिया, तो हार्दिक पांड्या को भी कर ही सकती है। जबकि हार्दिक पांड्या को इस स्टेटमेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से 2.5 महीने तक दूर होना पड़ा था, सोचो। योर क्रश, हर क्रश, हर बॉयफ्रेंड, हर बॉयफ्रेंड, हर हस्बैंड। यू, ये जो बंदा है ये है कॉन्टेस्टेंट, इसी की सबने ले रखी थी, बहुत गंदी वाली ले रखी थी। और उस ठीक बाद मीमर्स को लगा है ये क्या हो गया, फिर मीमर्स ने जजों की ले ली। ओके, ये जो भी है ये नाम लूंगा तो फिर डीमोनेटाइज हो जाएगा वीडियो। हाय कोरो ना, हम तुमसे नाराज हैं, अभी क्यों आया, हमारे स्कूल के टाइम पर आता, हमको भी एक महीने की छुट्टी मिल जाती। को रो ना, इट्स माय चॉइस, इसमें इतना मज़ा नहीं आया। ओके, व्हेन टू मीमर्स चैट, भाई कल एग्ज़ाम क्या है, भाई कल एग्ज़ाम है क्या, कौन सी सब्जेक्ट का, सलमान खान की फ़ोटो है, आई थिंक फिजिक्स होगा, कितने बजे, इस बंदी का फ़ोटो है मतलब 10 बजे होगा, और सिलेबस में कितने चैप्टर है, इस बंदी का फोटो है मतलब 5। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, अगर कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्लीज़ लगे हाथ शेयर कर देना क्योंकि 200 सब्सक्राइबर्स जल्द के जल्द होने वाले हैं। और अगर थोड़ा गलती से इधर उधर चला गया हूँ माफ़ करना, तो फिर फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम सोच के माफ़ कर देना, डिसलाइक मत मारना प्लीज़।